हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो आप लोग थंबनेल ने देख ही लिए कि इस विषय पे बात करना है, बिल्कुल राजा ब्लॉग के बारे में। और राजा ब्लॉग ने अपनी मम्मी पापा को जीना हराम कर रखा है। वो तो घर से भाग ही गया, उसके बाद में मम्मी पापा अलग, घर से उससे अलग है, फिर भी मम्मी पापा को जीना मुश्किल कर रखा है। अब वहां से फोन, अपने साथियों से फोन करके धमकी दिलवा रहा है माँ बाप को कि तुम अगर कैमरे पर आज के बाद अगर आ जाएगी तो तुम्हें जान से मार देंगे, गुंडे भेजवा कर मरवा देंगे। इस तरह से अभी फोन पे बात करें उनकी मम्मी और रो रो कर हमसे बात किए। हालांकि रिकॉर्ड कर नहीं किए उनकी बात को और ना करना चाहे रिकॉर्ड, क्योंकि अगर कोई दिल की बात बता रहे हैं फोन पे तो उनकी बात को रिकॉर्ड करके उनके साथ धोखा करना ये अच्छी बात नहीं है। तो हमने उनकी बातों के रिकॉर्ड नहीं किए, लेकिन उनको कैमरे पर लाने की कोशिश करेंगे आप लोग की हकीकत, क्योंकि मेरे बातों पे बहुत कम आप लोग विश्वास कर रहे हैं कि भाई हो सकता है ऐसा भी लग रहा होगा आप लोगों को कि हम मनग्रंथ बातें कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मनग्रंथ नहीं, जो उनकी मम्मी पापा हमें जानकारी देते, क्योंकि उनके घर से हम क्लोजली है और क्लोजली है। अभी फिलहाल इस मुसीबत में हम ही है, हम मेरे ऊपर ही एक भरोसा उनको है कि हमारा साथ अगर दे रहा है तो अरविंद दे रहा, तो सारे बातें दिल की बातें हमें बताते हैं। और अभी बिल्कुल रो रो कर बात किए कि बेटा हमें बचा लो, हम बहुत मुसीबत में हैं। तो हम बोले आखिर, पहले उनको शांत किए, रोने से रोके और बोले कि हुआ क्या, आप बताइए हमको सारे बातें। तो उसके बाद वो बताने लगे कि पहला नंबर तो है कि जो घर से राजा ने 2.5 लाख रुपए कर्ज लेकर गया, जो कि कानपुर या कहीं जमीन खरीद रहा था, ब्लॉग पे दिखाया भी था इससे पहले, वहां पे जाकर बयाना दिया और 2.5 लाख रुपए और यानी 5 लाख रुपए गांव से मम्मी पापा के नाम पर उठाकर लेकर गया, जो कि दूसरे से कर्ज लेकर दिए। और उसके बाद इस तरह की विवाद हो गया इसके घर में, तो कर्ज वाले इसके घर पे चढ़ गए, राजा के मम्मी पापा के घर पे, और मम्मी पापा को कर्ज वाले धमकी दे रहे हैं कि हमें पैसा 2 दिन में अंदर चाहिए, अगर नहीं देते हैं पैसे तो हम आपका जमीन हड़प लेंगे, आपको घर से निकाल देंगे, घर को अपने कब्जे में ले लेंगे। तो ये लोग बहुत मुसीबत में, पहला मुसीबत से तो ये लड़ रहे हैं, दूसरी मुसीबत है कि उनके पास रह खाने के लिए पैसे नहीं है। तो अभी का सीजन है जो कि देहात में, आप अगर देहात से मेरे वीडियो को देख रहे तो आप लोग जानते होंगे, अभी गेहूं का सीजन है, गेहूं काटने का सीजन है। तो दूसरे के खेत में राजा की पापा जो है दूसरे के खेत में जा रहे हैं गेहूं काटने के लिए, जबकि जानते हैं कितना वृद्ध हो चुके हैं, उनसे खुद अब चल नहीं पा रहे, उसके बाद भी वो जा रहे हैं दूसरे के घर पे 2 पैसे के लिए मजदूरी करने के लिए, और इसी तरह से मजदूरी करके अभी अपने पेट को पाल रहे हैं। और राजा वहां पे एक से एक घर ले रहा है और एक से एक गाड़ियां ले रहा है। तो आप लोग उसका ब्लॉग और वीडियो में देखते ही है कितने मस्ती से अपनी फैमिली, अपनी बीवी के साथ रह रहा है और कितने बेरहमी से अपने माता पिता को रख रहा है। यार आप लोग के ऊपर निर्भर है कि आप लोग क्या इसको कहते हैं, राजा को क्या बोलना चाहते हैं। दूसरी बात है कि राजा की मम्मी को फोन आया कानपुर से और उसके बाद वहां से धमकी दिया, बोला कि हम राजा का फ्रेंड हैं, जो कि उसकी मम्मी जानते भी हैं उसे, पहले भी इससे पहले जब राजा घर पे रहा करता था तो उसका फोन राजा से बराबर बातचीत होता था। तो वो कानपुर से फोन करके बोलता है क्या, अगर आप कैमरे पे आ गए, आप या चाहे दोनों मिलकर के मम्मी पापा कोई भी कैमरे पे आ गए और राजा के विरुद्ध कुछ भी बातें किए, तो आपको खैर नहीं है, जहां पे हैं वहां पे उठवा लेंगे और आपको मार देंगे। उसके बाद मम्मी पापा ने ऐसा बोले कि भाई हम जो सच्चाई, मेरे ऊपर आरोप जो लगाया वो कि हम उसे घर से भगा दिए और हम उसे जहर खिला रहे थे, तो जो सच्चाई वो सामने हम कैमरे में आके बोलेंगे, और ये हम आज से कल तक में ये बोले भी कि बेटे तुम आओ और हम कैमरे में आकर बोलेंगे। हम फिर बोले नहीं, पहले उधर की मामला जो आपको धमकी इस तरह की दे रहा है इस पे एक वीडियो बना दे ताकि सारे ऑडियंस लोग जाने कि हाँ माता पिता के साथ वो धमकी देना शुरू कर दिया, जान मारने की धमकी दे रहा, वो अपने से नहीं दूसरे से दिलवा रहा है जान मारने की धमकी। तो ये सब बातें पहले हम सोचे कि इस बार वीडियो बना करके आप लोग को जानकारी दे दे, और उसके बाद जाएंगे राजा की मम्मी पापा के पास जाएंगे और हकीकत भी हम उनके सामने अपने कैमरे में ऑन करके बातें करेंगे कि राजा आपने जितने बड़े बड़े आरोप लगाया, क्या ये बात सारा सही है या गलत, वो सारे बातें आपको बताएंगे अपने मुंह से। और आप लोग जानिएगा अच्छी तरह से कि हाँ हम सही बता रहे हैं या राजा की मम्मी सही है या कि राजा सही है, जानकारी मिलेगा आपको। तो आप अच्छी तरह से जान जाइएगा कि हाँ कौन सही कौन गलत। फिलहाल तो अभी राजा की मम्मी पापा बहुत मुसीबत में है और उनके खाने के लिए 2 वक्त रोटी नहीं है, इतनी मुसीबत से वो झेल रहे हैं। कल हम हो सकता है उनके घर पे जाएंगे के बाद में उनसे बातें करेंगे
वो हमसे दिल खोल कर बातें करते हैं, उनसे जब बात करते हैं फोन पे, कम से कम हमको दिन भर में 40 बार 50 बार उनकी कॉल आता है। तो उनसे बातें करके हम संतुलना देते रहते हैं, कोई नहीं आज बिगड़ा है कल संभाल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपका बेटा है आपका ही रहेगा, वो आपको आएगा, अभी उसके मन में कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है इसलिए आपको छोड़ दिया है, फिर दोबारा आएगा। बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं और समझाते भी हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं, और ऊपर से जले पे नमक छिड़क रहा है अपने दोस्तों के साथ से कि वो जान मारने की धमकी दिलवा रहा है। तो एक तो ऐसी रोता हुआ व्यक्ति, ऊपर से अगर इस तरह की धमकी आप देते हैं तो यार वो बहुत रो रहे हैं और मर जाएंगे वो। ये इधर से इनकी माँ बोले भी, वो बोला भी कि आप मर जाएगा तो राजा को फायदा होगा, तो ये बोले कि अगर हम मर भी जाएंगे ना तो राजा को खबर नहीं पहुंचाएंगे कि राजा हम मर चुके हैं। तो गाइज माता के साथ साथ उनके पिता की तबीयत बहुत जोर खराब हो रहा है, रोते रहते हैं दिन भर, रात में रात भर वो सो नहीं पाते हैं, 10 बजे 11 बजे तक बातें होती है कॉल से, और जब भी कॉल से बातें होती है सिर्फ उनकी आंख से आंसू ही गिरता है। बहुत समझाने की कोशिश करते हैं और समझाते हैं, और सुबह में दिन भर व्यस्त रहते हैं, दूसरे के खेत में मजदूरी करने जाते हैं, वो दिखाएंगे हम आपको इस सारे वीडियो में कि हाँ वो कैसे किस तरह से जी रहे हैं। कल आप लोग इंतजार कीजिए कल का वीडियो, एकदम कल जो है सियोरली आपका इस तरह का वीडियो आएगा, उसके घर का वीडियो, और सारे बातें उनकी मम्मी पापा से करेंगे आखिर कैसे जी रहे हैं वो। फिलहाल तो अगर राजा मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इस बात को हम उससे गुजारिश करेंगे, जो कि आपने कर्ज गांव से जो कर्ज उठाकर ले गए हैं भाई, वो कर्ज पैसा वापस कर दो ताकि मम्मी पापा अपने गांव में मजदूरी करके भी रह सके, नहीं तो उनको जीना हराम हो रखा है, कर्ज वाले लोग घर पे चढ़ रहे हैं, और एक तो इधर से आप टेंशन दे रहे हो ऊपर से कर्ज वाले टेंशन दे रहे हैं, तो आप कर्ज वाले को कम से कम पैसे दे दो, उसके बाद अपनी पत्नी के साथ रहो, आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं, तो कर्ज वाला तो कर्ज तोड़ लो, आप ये कर्ज आपने ले गए हैं, मम्मी पापा लेकर के नहीं उड़ाए हैं, सिर्फ आपने ले गए जमीन खरीदने के लिए, क्या करने के लिए नहीं करने के लिए, जो कि आपने जानते हैं अच्छी तरह से कि हाँ आप पैसा को कहाँ इन्वेस्ट किए। तो भाई कर्ज तोड़वा दो घर पे और मम्मी पापा को फ्री कर दो, आप तो फ्री कर ही दिए हो, घर से बेघर कर दिए हो। अब ये बताइए आप लोग जो आरोप लगाता है बेटा होकर के माँ के ऊपर कि हमें घर से निकाल दिया, अरे माँ का तो अधिकार है थप्पड़ मारने का, वो घर से निकालने की तो बहुत छोटी सी बात है, वो थप्पड़ भी मार सकता, उसका उतना अधिकार है। इसका मतलब क्या बेटा माँ बाप को छोड़कर चला जाएगा? नहीं जाएगा यार।